वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे ट्रंप ट्विटर जो कि अभी एक्स है और एक्स का ओनर एलन मस्क को लेके। प्रेजेंटली हम लोग देखे कि एक इंटरव्यू ट्विटर में आया है जिसमें ऑलरेडी ट्रंप के साथ एलन मस्क का एक कन्वर्सेशन हुआ बहुत देर तक, और वही कन्वर्सेशन के वजह से ट्रंप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला दुनिया भर से, हर कोई इसको देखा और बहुत ज़्यादा व्यू भी हुआ। तो एग्जैक्ट क्या है, मतलब टोटल कहानी क्या है? जैसे कि हम लोग को पता है कि यूएस में अभी इलेक्शन आने वाला है नवंबर में, और एलन मस्क कम्प्लीटली ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं ओपनली, ऐसा कुछ मतलब छुपाया छुपाया नहीं है। हम लोग का यहाँ बोलता है कि हाँ भैया हम लोग इस पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे, और दूसरे को बोला हाँ आपको भी सपोर्ट करेंगे। एलन मस्क ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि मेरा जो कम्प्लीट सपोर्ट है वो ट्रंप के तरफ है, और ट्रंप जो है वो भी एलन मस्क का बहुत ही अच्छा दोस्त। और ये जो दोनों दोस्तों में प्यार है ये हम लोग बहुत पहले से ही देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइम में हम लोग अगर देखे ट्रंप कुछ भी ट्वीट करता है तो उसको आगे जाके एलन मस्क या फिर उसमें कोई इमोजी डाल देता है या फिर उसको सपोर्टिव कोई एक सेंटेंस डाल देता है, जो कि हम लोग बहुत दिन से फॉलो कर रहे थे। तो ये जो रिलेशन है एक्स हैंडल और ट्रंप का ये बहुत पुराना है। ये एग्जैक्टली 2017 से है जब ट्रंप पहले प्रेसिडेंट बना, उस टाइम में ओथ टेकिंग सेरेमनी से पहले ही ट्रंप ने शुरू कर दिया था ट्वीट, और टोटल 4 साल में ट्रंप ने लगभग मोर देन 20,000 ट्वीट किया है। और ये सारा ट्वीट्स को दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से फॉलो भी किया गया है और रीट्वीट भी किया गया है इसको लेके। बाद में ये जो है ट्रंप के साथ इसका जो रिश्ता था ट्विटर का ये छूट गया, ट्रंप को ब्लॉक कर दिया गया। इसके पीछे भी क्या कहानी है सब आपको एक एक करके बोलते हैं। तो पहले चलते हैं हम लोग 2017 में ट्रंप ने इलेक्शन जीता, और इलेक्शन जीतने के बाद टेकिंग सेरेमनी के उस टाइम में ट्रंप ने ट्वीट किया, और ट्विटर में ट्रंप को बहुत कोई फॉलो करते थे, और जब भी ट्रंप कुछ ट्वीट करता था उसके अगेंस्ट में बहुत सारा ट्वीट रेज होता था और बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट में या फिर उनके सपोर्ट में भी बहुत सारा कुछ ट्वीट करते थे। एज ए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना 4 ईयर्स का जर्नी में मोर देन 20,000 ट्वीट किया था, और जब ट्रंप के पास ये प्रेसिडेंसी नहीं रहा, मतलब ट्रंप जब इलेक्शन में हार गए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्रंप को जब व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ा, साथ ही साथ उनका जो फेवरेट ऐप था ट्विटर उनका साथ भी ट्रंप को छोड़ना पड़ा, और ट्रंप व्हाइट हाउस से बिना ट्विटर के गए। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। तो उस टाइम में एलन मस्क ट्विटर के ओनर नहीं थे, ऑन द अदर साइड उस टाइम में ट्विटर से ट्रंप को बैन कर दिया गया था। ट्रंप को बहुत ख़राब लगा क्योंकि उनका फेवरेट ऐप है और उसको वो हमेशा यूज़ करते थे। ऑन द अदर साइड जो ट्रंप के सपोर्टर थे वो लोगों को भी ख़राब लगा कि भाई सोशल मीडिया में ऐसे बैन नहीं करना चाहिए, भले ही इलेक्शन हार गया है मगर ये तो मतलब दूसरा कुछ अलग ही लेवल पे कुछ हो रहा है। तो जो भी है ट्रंप ने उस टाइम में चला गया, और प्रेजेंटली अभी अगर हम लोग 2024 में देखें पूरा सिचुएशन जो है ये अलग है। ट्विटर जो है एक नया रूप में आ गया है, नया नाम है इसका एक्स हैंडल। ऑन द अदर साइड इसके जो ओनर है वो भी ट्रंप के सपोर्टर है, ट्रंप के बहुत ही अच्छे दोस्त है एलन मस्क। तो प्रेजेंटली जो ट्विटर है ये ट्रंप का फिर से साथ दे रहा है, और इसी में ट्रंप हमेशा अभी देख रहे हैं कि जैसे इलेक्शन आने वाला है ट्रंप कुछ ना कुछ ट्वीट करते ही रहता है। तो ट्रंप और एलन मस्क के बीच में एक प्लानिंग हुआ जिसमें उन लोग बोले कि भाई हम लोग ट्विटर में जाते हैं, हम लोग एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें एलन मस्क जो है ट्रंप का इंटरव्यू लेगा और उसको डिफरेंट जो इश्यूज है अभी यूएस में उनको लेकर कभी क्वेश्चन किया जाएगा। तो ये जो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था ये लोकल टाइम 8 बजे शेड्यूल हुआ था, मगर 8 बजे ये इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ। दुनिया में बहुत कोई वेट कर रहा था कि भाई ये इंटरव्यू कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। ऑन द अदर साइड ये इंटरव्यू स्टार्ट हुआ 45 मिनट्स के बाद। अगर हम लोग एलन मस्क को माने जो कि ऑलरेडी एक्स हैंडल के ओनर है, उनका कहना था कि भाई हम लोग के ऊपर मतलब जो हैकर है उन लोग का अटैक हुआ। ये बात कुछ हद तक सही है क्योंकि हम लोग अगर देखें ये जो टेक्निकल फॉल्ट हुआ था इसे DDoS कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कुछ बैड एक्टर्स जो है वो टेक्निकली और भी ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट करना कोशिश करते हैं जिसके वजह से इसमें इशू हुआ। तो जो भी इशू हुआ था, जो भी ग्लिच हुआ था वो 45 मिनट्स के अंदर रिजॉल्व हो गया, और फिर शुरू हुआ ये इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में एलन मस्क थे, साथ ही साथ ट्रंप थे, और एक दूसरे को ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे थे। इन लोगों का जो दोस्ती है वो भी देखने को मिला, साथ ही साथ डिफरेंट अदर जो टॉपिक्स है जो यूएस में अभी घट रहा है, साथ ही साथ इलेक्शन में जो चल रहा है या फिर इलेक्शन में क्या होगा, इस सबको लेके इसमें बात हुआ। तो इस इंटरव्यू में बहुत सारा डिस्कशंस हुआ जिसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या फिर बहुत सारा वन लाइनर्स भी सुनने को मिला। ऑन द अदर साइड वन ऑफ द मेजर हॉट टॉपिक था इस इंटरव्यू में कमला हैरिस। कमला हैरिस को ट्रंप ने अपने तरफ से डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए अक्यूज्ड किया, और इसी इंटरव्यू में ट्रंप ने कमला हैरिस को अपने वाइफ के साथ कंपेयर किया। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि भाई आपका जो ओपोनेंट है आप उनको अपने वाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हो? मतलब आपका वाइफ के साथ आपका रिलेशन कैसा है? आपका जो ओपोनेंट जैसे करता है आपका वाइफ घर में आपको ऐसा ट्रीट करता है? एग्जैक्टली क्या है ट्रंप क्या बोलना चाहता था, या फिर एग्जैक्टली क्या मतलब इशू है? अगर आपको कुछ हिंट मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि भाई इस बारे में आपको और भी ज़्यादा ज्ञान है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को लेकर एटलीस्ट कमेंट कीजिए।
क्योंकि हम लोग अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी मतलब कोई बयानबाजी करता है, चाहे इंडिया हो या फिर अब्रॉड हो, कभी भी हम लोग इस तरह से सुने नहीं कि भाई आपका जो ओपोनेंट है उसको वो बोला है कि भाई मैं तो इसको कंपेयर करूंगा अपने वाइफ से, मगर ट्रंप ने किया। और इसके अलावा भी अगर ये इंटरव्यू को हम लोग फॉलो करें तो एक चीज़ हम लोग को बहुत ही क्लियरली देखने को मिल रहा था कि भाई एलन मास्क और ट्रंप जो है एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। मेनली ये इंटरव्यू का रीज़न था कि ट्रंप को जो यूएस के सिटीजन है उन तक पहुंचाने के लिए, और ट्रंप का जो भी मतलब ट्रंप सोचता है यूएस को लेके, वो सोच को यूएस के सिटीजन के अंदर अगर मतलब पहुंचा पाए तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्रंप के लिए इजी होगा आगे जाके इलेक्शन जीतने के। होपफुली ये इंटरव्यू के बाद में एलन मास्क का जो रेटिंग है वो कुछ आगे जाके इम्प्रूव हो सकता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग ये इंटरव्यू को देखें तो अभी तक ये इंटरव्यू 73 मिलियन तक व्यू हुआ है, जबकि एक चैनल का कहना है टोटल जो इम्प्रेशन है ये नियर बाई 1 बिलियन हो गया। और इन फ्यूचर अगर ट्रंप यूएस के इलेक्शन में जीतता है तो ये वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल इंटरव्यू होने वाला है, ये तो हम लोग को पता ही चल गया है। तो आगे यूएस के इलेक्शन में क्या होगा, जैसे जब होगा जैसे होगा वो अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ में अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU SPACE PAUL में बना के रखा हूँ। अगर आप चाहे तो चैनल में जाकर देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो वीडियो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपको क्या देखना अच्छा लगता है आपका जो थॉट है उन तक पहुँचता है, और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लगकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।